बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत धूलकोट के एक क्षेत्र भगवानपुरा से एक मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों को बिजली की गंभीर समस्या हो रही है। जहां आदिवासी दलित जागृत संगठन के शिवराम कानासे ने बताया कि क्षेत्र में 2 घंटे बिजली दी जाती है तो वहीं 22 घंटे बिजली गुल रहती है। साथ ही बिजली विभाग ने भ्रष्टाचार करते हुए सीमेंट के पोल पर बिजली के तार छोड़ने के बजाय लकड़ी के डंडों पर और पेड़ों पर सिंगल फेस की लाइनें छोड़ रखी है, जिससे ग्रामीणों को रोजमर्रा की जिंदगी में मौत का डर सता रहा है। भगवानपुरा ग्राम पंचायत धूलकोट से लगे वन ग्राम मवासिया ग्राम पंचायत सिरवेल, जो कि सेंधवा तहसील जिला बड़वानी के अंतर्गत आता है, यहां पर ग्रामीणों को बिजली की गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। गांव में 200 से 250 परिवार निवास करते हैं। आदिवासी दलित जागृत संगठन के शिवराम कनासे ने बताया कि क्षेत्र में 2 घंटे बिजली दी जाती है तो वहीं 22 घंटे बिजली गुल रहती है। साथ ही बिजली विभाग ने भ्रष्टाचार करते हुए सीमेंट के पोल पर बिजली के तार छोड़ने के बजाय लकड़ी के डंडों पर और पेड़ों पर सिंगल फेस की लाइनें छोड़ रखी है, जिससे ग्रामीणों को रोजमर्रा की जिंदगी में मौत का डर सता रहा है। तो वहीं क्षेत्र में विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण नहीं किया है। सेंधवा विधायक ग्यारसीलाल रावत का क्षेत्र होने से वे इस मामले से अनजान है। वहीं ग्राम के नांठिया चिरोटीबाई डुडवे कुदलबाई ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए बताया कि विद्युत पोल लगाने के लिए प्रत्येक लोगों से 800 रुपये लिए गए हैं, जबकि ठेकेदार ने काम मजदूरों से ना करवाकर गांव के लोगों से ही मेहनत करवाकर पोल लगवाए हैं। नांठिया के घर के ऊपर से जा रहे मुख्य विद्युत तार को जॉइंट द्वारा जोड़ा गया है, जो कभी टूटकर हादसे को न्योता दे सकते हैं। हमारे ये समस्या है, ये हमारे गांव में मुआसिया में जो पोल डाले लाइन आई है तो वो लाइन पे जब टूटेल फूटेल खंबा कर दिया और लांगे तार कर दिए, जो रोड पे था उनके पास थोड़ी थोड़ी केबल कर दी और नांगे तार कर दिए। कितना समय होगा ये लाइन डाले? लाइन डाले तो 2018 की डाले थी। तो अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया था? हाँ करे तो ये हमारे पास कागज गया था बिजली ऑफिस में, उनको बोला था कि हमारे गांव के अंदर ये नांगी तार तुमने लगा दिए तो कोई व्यक्ति मर जाएगा, कोई किसी का बैल बकरी मर जाएगी, उसकी हमको जिम्मेदारी होना, नहीं तो फिर ये केबल तार डालो करके हम ऑफिस में गए थे, बिजली ऑफिस में गए थे तो ये कागज बना के दिए थे उनको। तो वो बाबूजी लोग थे तो वो बोले कि वो साफ आएगा उसको बताएंगे, हम ऐसा बोल दिए थे वो लोग। तो उसके बावजूद हमारे पास कोई भी नहीं आया, आज तक भी कोई नहीं आया और अभी भी नहीं हो रहा, ये तो क्यों नहीं हो रहा करके हम ये ठेकेदार पर कार्रवाई कानून किया जाए करके ये हम कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं हम गांव वाले। क्या नाम लिखते हैं? हमारा नाम श्याम है। पहले भी कई हादसे हो चुके हैं यहाँ पर? हाँ, हो चुके हैं। दो बार बैल चिपक गया था, एक बार वो घर वाले के सुमारे भाई के बकरी लटक गए थे नांगी तार में। लाइन भी सही समय पे नहीं आती होगी? नहीं आती बिल्कुल, धपती नहीं, नांगी तार है कहाँ से जलेगी, वो जलती नहीं, लाइट नहीं जलती। और हमारा जो बिल है, बिल वाले जो लाइन मैन आते हैं बिल मांगते हैं यहाँ पर, बिल का भी कागज आयल है खुदे और खड़े भी हमने पोल नहीं किया, सिर्फ ठेकेदार ना फिटा इतनी किए और 800 रुपए के पुल का लिया हमारे पास और काम भी करवाया था। काम भी करवाया पूरे, हम गांव वाले काम करे। तो ठेकेदार साथ में मजदूर लाया था कि नहीं? नहीं नहीं मजदूर कोई नहीं, सिर्फ उसका आदमी एक या दो रहता है, सिर्फ फिट करने का इतना उनका। मतलब सीमेंट के खंबे कम लगाए और लकड़ी पर ज्यादा लाइन टांग दी? सीमेंट के खंबे इतने कम लगाए और हमारे घर के है ना जो झाड़ी पे और खूटे गाड़ के ऐसे हम घर ला के बिजली जला रहे और वो भी हमारे जेब से केबल कर रहे, उनके दिया ने वायर हम मोल लेके लगा रहे। हमारे यहाँ है नी पोल भी नहीं है और बिजली भी कम मिल रही है। बिजली भी बहुत कम मिल रही है, बहुत दिन छोड़ते हैं ऐसे करते हैं। और बारिश के टाइम में तो बिजली नहीं आती अभी और 1-2 घंटे चलती है। और कब से बनी है पर समस्या कब से? ये तो 2017 में से है, ऐसी चल रही है हमारी जब से लाइट आई। जब से अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराया था? हाँ करवाए थे तो वो भी कुछ नहीं, सुनवाई नहीं की। और हमारे यहाँ डीपी भी नहीं है, कम से कम 2 किलोमीटर से दूर से हम वायर बांध के ला रहे झाड़ी झाड़ी पे, पोल भी नहीं है ना कुछ नहीं हमारे यहाँ। क्या नाम लिखते हैं? हमारा नाम नांटा डूडू। इस संबंध में सेंधवा विधायक ग्यारसीलाल रावत का कहना है कि मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है, जानकारी जुगड़ा कर उचित कार्रवाई की जाएगी। खरगोन से प्रदीप खेड़े की रिपोर्ट।